वर्ग 10 में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल में वेलकम है। आज हम लोग देखेंगे यहाँ कि गणित के 3.3 एक्सरसाइज पे आज हम लोग इसको इतना आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप कंसिस्टेंट बन के और यहाँ देखते रहें और साथ में कॉपी और कलम को आप इस्तेमाल में लाते रहें और आप देखें बहुत आसानी से आप इस मैथ को सॉल्व करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें इतनी सहूलियत होगी क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम में आपके पूछे जाने वाले प्रश्नों में से यह महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो यहाँ देखेंगे कि जैसे आपके प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण जो है इसके युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे जब भी समीकरण को हल करने की बात आता है तो इसको हम अलग अलग कई विधियों से हल कर सकते हैं, जिसमें गुणनखंड विधि होता है। यानी तो हम अलग विधियों का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे जो विधि कहा जा रहा है प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग, तो इसी विधि का हम प्रयोग करेंगे। और आसानी से आप देखिए कितना आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हल में आप देते हैं एक नंबर प्रश्न जो है, एक नंबर प्रश्न में क्या है कि एक्स प्लस वाई बराबर 14, अब फिर दिया है एक्स माइनस वाई बराबर 4, इसको आप समीकरण 1 कहिए और इसको समीकरण 2 कहिए, क्योंकि 2 समीकरण आपका दिया हुआ है। तो यहां समीकरण 1 और 2 में आप सीधे यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 1 जो है 1 में क्या करेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, तो x प्लस वाई बराबर 14 है, तो आप यहां लिख सकते हैं इस तरह या करके, क्योंकि बीच में जब बराबर हो तो हम शुरू करते हैं या से, तो या से शुरू करेंगे तो या में लिखेंगे कि x बराबर यहां 14 तो पहले से है और पीछे आप इस चीज को पढ़ चुके हैं या बताया भी गया है कि बराबर की इधर जो भी संख्या होता है, जो भी अंक होता है, उस अंक को हम बराबर को उधर जब भेजते हैं तो इसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, वह अगर मल्टीप्लाई यानी गुणा में होता है तो भाग में चला जाता है और भाग में होता है तो गुणा में हो जाता है। बात आप पहले से जानते हैं, तो आप देखेंगे कि हाँ वाई प्लस में है तो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक्स का मान यह हो गया कि 14 - y, सीधे शब्दों में आप समझिए। अब लिखेंगे, अब यहां लिखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यानी x का मान आपने जो यहां निकाला 14 - y, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 आपका क्या है, तो देखिए समीकरण 2 में क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो यहां लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर 4, तो x के जगह पर x का मान आप यहां रख रहे हैं, x का मान आपका 14 - y यानी कि 14 - y है, तो इसके बदले में x के बदले में आप लिख सकते हैं कि 14 - y, और इसके बाद आपका तो यहाँ y माइनस में है ही, अब बराबर 4 है तो 4, या में लिखिए कि माइनस 1y और माइनस 1y, देख रहे हैं कि यहाँ माइनस में दोनों y है, तो माइनस 1y और माइनस 1y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2y हो गया, बराबर में 4 है तो 4 आपका यह रह गया और यह 14 प्लस में है और बराबर की इधर है, देख रहे हैं, तो 14 यहाँ बराबर किधर है, इसको इधर लाइएगा तो यहाँ प्लस में है तो आएगा तो माइनस में हो जाएगा 14, या आपका हो जाएगा माइनस 2y है इक्वल टू, यानी 4 से 14 घटेगा तो 4 से 14 घटेगा तो माइनस में आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस आप कटा लीजिए, या वाई बराबर आपका क्या हो गया, वाई का मान यहाँ 2 * में है, जैसा भी मैंने बताया कि प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, बराबर की इधर उधर जब उसको अदला बदली करते हैं तो यहाँ पे 2 * में है, यानी वाई के साथ या मल्टीप्लाई है तो आएगा तो 10 के बटा में हो जाएगा, यानी कि 2 * 10, यानी इसका मान हो गया 5 बार में कट गया, इसलिए वाई बराबर आपका हो गया, वाई का मान कितना हो गया 5 हो गया, देख रहे हैं बहुत आसानी से आप समझेंगे इसको। अब इसी को लिखते हैं कि समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर, समीकरण 1 जहां है वहां वाई का मान आप देखिए कि वाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया, तो समीकरण 1 देखिए कि x प्लस वाई है तो x प्लस वाई के स्थान पर आप 5 रख दीजिए, क्योंकि वाई का मान 5 आ गया है, तो वाई की जगह पर 5 रख दिया, बराबर 14 है तो बराबर 14 आपका हो गया, या आप लिखेंगे कि x बराबर 14 तो पहले से आपका मौजूद है और ये प्लस में 5 है, बराबर किधर जब भेजेंगे तो बराबर किधर करेंगे तो ये माइनस में 5 हो जाएगा, या x बराबर आपका क्या हो गया कि 14 से 5 जाएगा तो कितना हो गया 9 हो गया, इसलिए लिखेंगे x बराबर 9 और y बराबर कितना हो गया, तो y बराबर आपका 5 आया हुआ था, यही आपका 2 आंसर हो गया। देखिए कितना माइनस टी आप मिलाएंगे, s माइनस टी बराबर 3 है, फिर आप देखेंगे कि s बटा 3 प्लस टी बटा 2 इक्वल टू 6, ये समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण क्या हुआ सेकेंड हुआ, तो फिर आप लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, आप हल में चल रहे हैं कि समीकरण 1 को जब आप हल करेंगे तो देखेंगे कि s माइनस टी
इक्वल टू कितना है, तीन है। या आप लिख सकते हैं कि s बराबर यहाँ t माइनस में है, बराबर की इधर भेजेंगे तो तीन के साथ क्या जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि थ्री प्लस टी हो गया। अब लिखेंगे समीकरण दो से, तो समीकरण दो को पहले आप हल कर लीजिए। हल इसलिए कर लीजिए क्योंकि बटा में दिया हुआ है, आप इसको बटा से हटा लीजिए आसान हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ s बटा तीन दिया है, प्लस टी बटा दो दिया है, बराबर छ है। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ s का मान रख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले ही सॉल्व कर लीजिए कि आसान आपका समीकरण दिखेगा। तो यहाँ तीन और दो का एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तीन दो ना छ हो गया, छ में तीन से भाग देंगे दो, दो में एस से गुणा करेंगे टू एस, आप प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ छ में दो से भाग देंगे, तीन बार में कटेगा, तीन में टी से गुणा करेंगे तो तीन टी हो जाएगा, अब बराबर छ है तो छ इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक से गुणा करेंगे टू एस प्लस थ्री टी में, तो टू एस प्लस थ्री टी आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा, बराबर छ में छ से करेंगे, छ छ क्या हो गया छत्तीस हो गया। देख रहे हैं यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, जो हमने मान निकाला था एस का, तो समीकरण एक से एस का मान रखने पर, एस का मान रखने पर, तो समीकरण एक में एस का मान क्या था, थ्री प्लस टी था, तो जहां पे एस है वहां पे थ्री प्लस टी हम मान रख देंगे, जो ये मान यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे या टू एस है तो टू इंटू एस का मान क्या हो गया, थ्री प्लस टी है, प्लस यहाँ थ्री टी है तो थ्री टी बराबर छत्तीस है तो छत्तीस, या आप लिखेंगे कि दो में तीन से गुणा करेंगे दो तीन छह हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया आपका, दो में टी से गुणा करेंगे दो टी हो गया बराबर, और इसके बाद आपका अभी प्लस तीन टी है तो प्लस तीन टी बराबर छत्तीस है तो आपका छत्तीस हो गया। देख रहे हैं, और इस तरह से यह आप लिख सकते हैं कि इस छ को बराबर किधर कर लीजिए, तो बराबर इधर करिएगा, इसके पहले आप देखिएगा दो टी और तीन टी कितना हो जाता है, पांच टी हो जाता है, बराबर छत्तीस तो पहले से है, और इस छ को बराबर उधर जब भेज रहे हैं तो प्लस में छ है तो आएगा तो माइनस में छ हो जाएगा, या आपका हो गया कितना कि ऐसे आप लिख सकते हैं कि टी बराबर ये पांच जो है गुणा में है, तो गुणा में है तो बराबर किधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, और छत्तीस से छ हो गया तो कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा, यानी छ पचे तीस, इसलिए टी का मान कितना हो गया आपका छ निकल गया। देख रहे हैं बहुत आसानी से आप हल कर रहे हैं, और इस तरह से आपको समझ में भी बेहतर ढंग से आएगा मुझे उम्मीद है। समीकरण एक में आप मान रखिए, समीकरण एक में यहां टी का मान निकला, टी का मान रखने पर, समीकरण एक में टी का मान रखने पर, तो यहाँ समीकरण एक क्या है इसको ध्यान दीजिए कि एस माइनस टी बराबर तीन है, तो एस माइनस टी का मान कितना आ गया आपका छ हो गया, अब बराबर तीन है तो तीन, या एस इक्वल टू क्या हो जाएगा तो तीन पहले से है, आप डायरेक्ट भी यहाँ मान रख सकते थे, टी का मान जब निकल गया तो एस बराबर क्या हो जाता, थ्री प्लस टी कर लेते आसानी से निकल जाता, लेकिन हमने समीकरण में ही रख के देख लिया कि यहाँ क्या हो गया आपका कि माइनस में छ है, बराबर में इधर आएगा तो प्लस में छ हो जाएगा, इसलिए एस बराबर आपका हो गया छ व तीन कितना हो गया नौ, और टी बराबर कितना हो गया छ, यही दो आपका आंसर कंप्लीट हुआ। इस तरह से आपने देखा कि बहुत आसानी से आप सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं समझ में आती हो, किसी प्रकार का अगर मुश्किलें लग रहा हो कि आप इसको बेहतर समझ नहीं पा रहे हैं, या आपको अच्छा भी लग रहा हो, तो आप निश्चित मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको यह मैथ किस प्रकार से लग रहा है, और इसमें और क्या करने की जरूरत है, क्या सुधार की जरूरत है आदि, कुछ बात जो आपके दिमाग में आता है वह सारी बातों को आप चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखेंगे तीसरा यहाँ सवाल जो है, तीसरे सवाल में क्या है कि थ्री एक्स माइनस वाई बराबर तीन है, पुनः यहाँ देखेंगे कि नाइन एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन है, यह समीकरण फर्स्ट हुआ, यह समीकरण क्या हुआ सेकेंड हुआ, इसमें टोटल क्वेश्चन हम यहाँ प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण एक से चलेंगे, समीकरण एक में क्या दिया है कि थ्री एक्स माइनस वाई बराबर, थ्री एक्स माइनस वाई बराबर तीन है, या आप लिख सकते हैं कि थ्री एक्स बराबर तीन और माइनस में वाई है, बराबर किधर भेजिए तो प्लस में वाई हो जाएगा, या यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एक्स बराबर थ्री वाई, थ्री प्लस वाई है तीन इंटू में है तो बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइडेशन भाग में हो जाएगा। देख रहे हैं, अब पुनः एक्स का मान आप समीकरण दो में रख के देखिए, लिखेंगे समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, जो एक्स का मान निकला यहां एक्स का मान रखने पर, तो एक्स का मान देखेंगे कि क्या निकला है, थ्री प्लस वाई बाई थ्री है, तो यहाँ पे समीकरण दो हम लोग का क्या है कि नाइन एक्स है, तो नाइन इंटू एक्स का मान जो निकला है, यानी एक्स के जगह पे अब एक्स नहीं लिखकर हम वो मान लिखेंगे, थ्री प्लस वाई बटा तीन रखते हैं, अब माइनस थ्री वाई है तो थ्री वाई बराबर नाइन है तो नाइन, जो है बस उतारते जाना है, आपको कुछ नया इसमें नहीं करना है। या यहाँ नौ में तीन से गुणा करेंगे, नौ तीन सत्ताईस हो गया,
या इसको आप कटाना चाहते हैं तो कटा भी सकते हैं, आप यहाँ डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, लेकिन ऐसे लिख भी सकते हैं कि तीन तरीका नौ तीन बार में कट गया, आपका आसान हो जाएगा। आसान होने से आप थोड़ा सा सहूलियत से इसको बना पाएंगे, तीन बचा तीन में तीन से यहाँ गुणा करेंगे तीन तरीका नौ हो गया, उसके बाद प्लस है तो प्लस लिखेंगे, तीन में वाई से गुणा करेंगे तो तीन वाई हो जाएगा, माइनस यहाँ तीन वाई या बराबर नाइन है तो नाइन हो गया, या यहाँ पे देख रहे हैं कि या अगर आप देखते हैं कि यहाँ तीन वाई प्लस में तीन वाई माइनस में है तो यहाँ नाइन इक्वल टू क्या हो गया, नाइन हो गया। तो इस तरह से आपने y का मान यहाँ पे ज्ञात नहीं कर पाया, y का मान ज्ञात नहीं हो तो आप x का मान भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे कोई चिन्ह में परिवर्तन होता तो चिन्ह में परिवर्तन होता तो निश्चित रूप से इसका कुछ न कुछ मान निकलता। तो जैसे चिन्ह दिया हुआ है यहाँ, हम x का मान भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, y का मान भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अर्थात इस घात समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। फिर पुनः हम देखेंगे यहाँ कि इसके बाद का जो प्रश्न दिया हुआ है चौथा, तो चौथे प्रश्न पे हम विचार करते हैं कि चौथे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। चौथा में दिया है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर आपका 1.3 है। पुनः आप देख रहे हैं कि 0.4x और प्लस 0.5y बराबर 2.3 क्या है, 3 है। तो इसको आप हल करेंगे, समीकरण फर्स्ट हुआ, समीकरण सेकंड हुआ। तो फर्स्ट में आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसका दशमलव हटा सकते हैं, या बिना दशमलव हटाए भी आप इसका हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ दशमलव हटा लेते हैं ताकि आपको समझने में काफी सहूलियत होगा। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो निश्चित है कि यहाँ 2/10 हो जाएगा x, प्लस यहाँ एक अंक के बाद यहाँ है तो 3/10 ये भी हो जाएगा y, इसका टू 1.3 है तो इसका भी एक अंक के बाद दशमलव है तो आज का हो जाएगा 13/10 हो जाएगा। और पुनः यहाँ देख रहे हैं दूसरे समीकरण को भी आप चेंज कर लें तो आपका हो जाएगा 4/10 x, और प्लस यहाँ देख रहे हैं कि इसके बाद भी एक अंक के बाद दशमलव है तो 5/10 वाई हो जाएगा, बराबर आपका 2.3 है तो 23/10 हो जाएगा। आप इसको अब बटा में देख के आसानी से कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो समीकरण एक से चलते हैं, समीकरण एक में क्या है कि 2/10 एक्स प्लस 3/10 वाई बराबर 13/10, तो सब में 10 है तो निश्चित है कि यहाँ जब एलसीएम निकालेंगे या यहाँ लिखेंगे कि 2x यहाँ 10 और 10 का एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा कि 10 ही होगा, और इस तरह से 2x में 10 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस, क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि यहाँ जो बटा का जोड़ होता है यानी कि 10 में 10 से भाग देंगे 1 और 1 में 2x से गुणा करेंगे 2x, 10 में 10 से भाग देंगे फिर 1, 1 में 3y से गुणा करेंगे 3y बराबर 13/10 क्या हो गया 10, यानी सब में 10 है तो 10 से 10 से क्या हुआ कट गया, नीचे से नीचे कट जाता है ऊपर से ऊपर कट जाता है। तो आपका हो गया कितना कि 2x प्लस 3y बराबर आपका हो गया 13, या आप लिख सकते हैं ऐसे कि 2x बराबर 13 पहले से है और 3y यहां प्लस में है, बराबर की तरफ भेजेंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा, या आपका x बराबर क्या हो जाएगा तो ये 2 गुणा में है, बराबर की तरफ भेजेंगे तो 13 माइनस 3y के बटा में आपका 2 हो जाएगा। तो x का मान अगर इतना आया तो आप इसको समीकरण 2 में भर के देखें कि जहां जहां समीकरण 2 है और समीकरण 2 में जहां जहां x है वहां पे हम ये मान रख के देखते हैं कि जितना मान आया है x का कितना होता है। तो देखेंगे कि समीकरण 2 से समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर तो 1 में क्या है आपका कि 4 यहां देख रहे हैं कि 4/10x प्लस 5/10y, तो यहां x के जगह पर आप मान रख दीजिए, x के जगह पर आपका मान आ गया है कितना 13 माइनस 3y बटा 2 है तो इतना मान रख दीजिए, प्लस आपका क्या है कि 5/10y है बराबर 23 है तो 23 रख दीजिए। अब इसको हल करेंगे आप यहां 2×2=4 आप कटा सकते हैं, तो यहां आपका हो जाएगा कि 2 में 13 से गुणा होगा, 13×2=26 माइनस 2 में 3 से गुणा होगा, 3×2=6y बटा में आपका क्या हो गया 10 हो गया, प्लस 5/10y हो गया बराबर आपका 23 है, या आप लिख सकते हैं ऐसे कि इसके बटा में 10 है तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 10 होगा, 10 में 10 से भाग देंगे 1 और ऊपर वाला जो का त्यों रह जाएगा यानी कि 26 माइनस
6y प्लस यहाँ 10 में 10 से भाग देंगे, एक एक में 5 से गुणा करेंगे तो 5y जो कहते हैं रह जाएगा बराबर 23 है तो 23, या यहाँ 23 बटा 10 था तो 23 बटा 10 हो गया, 23 बटा 10 हो गया, ठीक है। और इसके बाद अब क्या करेंगे कि 5 को y में से 6 को y घटाएंगे तो माइनस में 1 y बचेगा, लेकिन यहाँ आपका हो गया 26 माइनस 1 y बटा 10 बराबर 23 बटा 10 हो गया। तो 10 से 10 आप कटा लीजिए, 10 से 10 कटाइएगा तो आपका यहाँ नीचे आपको नहीं दिख पाएगा इसलिए मैं ऊपर मिटा रहा हूँ, और ऊपर मिटा के मैं इसे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ समीकरण दो हम लोग को याद रखना होगा, समीकरण दो चाहिए क्या है तो यहाँ देखिए कि यहाँ 26 माइनस वाई, 26 माइनस वाई बराबर आपका बच गया 23, या आप लिख सकते हैं कि माइनस वाई बराबर 23 पहले से है, 26 प्लस में है, बराबर किधर भेजेंगे तो माइनस में 26 होगा, या आपका वाई बराबर क्या हो गया कि माइनस वाई बराबर आपका हो गया कि 23 में 26 जाएगा तो माइनस 3, माइनस से माइनस कटा लीजिए इसलिए वाई का मान हो गया 3। अब इसी को समीकरण एक में या चाहे दो में मान रखेंगे, अब लिखते हैं कि समीकरण दो में ही मान रखते हैं चाहे एक में ही रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप एक में रखें या दो में रखें, तो समीकरण दो में वाई का मान रखने पर तो समीकरण दो क्या था आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4x/10 प्लस 5y/10 इक्वल टू 23/10, यही था आपका। तो यहाँ पे y का मान जहाँ y है वहां 3 रख लीजिए, या लिखेंगे कि 4x/10 और प्लस 5 गुणे y का मान कितना हो गया 3 हो गया बटा 10 हो गया बराबर 23/10 है तो 23/10। नीचे वाला मिटा लेते हैं, यह आपका मान हो जाएगा कि 4x/10 प्लस 5 यही 15 आपका हो गया बटा 10 बराबर 23/10 है तो 23/10, या 10 का यहाँ एलसीएम लेंगे फिर तो 10 होगा, 10 एकम 10, 4 एकम 4x और प्लस 10 एकम 10, 15 एकम 15 बराबर 23/10, तो 10 से 10 आप कटा लेंगे और ये आपका हो जाएगा कि 4x+15 = 23 आपका हो गया, ठीक है। या आप लिखेंगे ऐसे कि 4x बराबर तो 23 तो पहले से है और 15 इसमें प्लस में है बराबर की इधर, तो इधर भेजेंगे तो माइनस में 15 हो जाएगा, या आप लिखेंगे यहाँ x बराबर तो 4 आपका यहाँ गुणा में है तो आएगा तो बटा में हो जाएगा, इसके पहले आप 23 से 15 घटाएंगे तो कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 को घटाएंगे 4 से, 4 × 2 = 8, 2, इसलिए x बराबर आपका 2 हो गया और y बराबर कितना था 3 हो गया। बहुत ईजी है, थोड़ा सा बस कंसिस्टेंट रहना है आपको, आपको मुझे उम्मीद है कि मैथ इतना आसान से समझ में आएगा कि मैथ इतना आसान आप दूसरा सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। और पांचवें को देखते हैं, पांचवें में जैसे दिया हुआ है, पांचवें में आपका क्या है कि √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0, समीकरण फर्स्ट है, समीकरण क्या है सेकंड है, तो हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं जैसे उसमें बताया गया, समीकरण फर्स्ट से तो फर्स्ट में क्या है आपका √2x + √3y = 0 है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि √2x = प्लस में है बराबर की तरफ भेजेंगे तो माइनस में √3y हो जाएगा, या x बराबर आपका क्या हो जाएगा तो √2 * में है x के साथ तो बटा में चला जाएगा, -√3y या बटा कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, देख रहे हैं। अब इसी को समीकरण दो में रखें, समीकरण दो में x का मान समीकरण एक से रखने पर, समीकरण एक से निकाला गया, एक से रखने पर तो एक में क्या था जो x का मान वहां निकाला गया, दो में क्या है कि √3x - √8y = 0 है, या √3x के जगह पर आपका आ गया है कि -√3y / √2 है जो मान है उसको लिख दिया गया। अब माइनस यहां देखेंगे कि -√8y = 0, या आपका हो जाएगा √3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस में है तो -3/√2 = उसके बाद -√8y = 0, या यह जो है इसके बटा में कुछ नहीं तो एक है, √2 और 1 का लघुगणक लेंगे तो कितना हो जाएगा √2 ही होगा, √2 से भाग देंगे एक बार में कटेगा, एक में -3 से गुणा करेंगे तो -3y का 3y रह जाएगा, माइनस से तो माइनस, √2 में
एक से गुणा करेंगे रूट दो, रूट दो में रूट आठ से गुणा करेंगे तो आपका एक चार बाहर निकल जाएगा और चार वाई हो जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि आपने कर्णी में इसको पढ़ा हुआ है कि रूट दो गुणे रूट आठ यदि है, रूट में चला गया दो और आठ के बदले में आपने लिख दिया कि दो गुणे दो गुणे दो, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दो और एक दो का जोड़ा लग रहा है और दो दो यहाँ से बाहर निकलेगा, दो गुणे दो यानी कितना हो गया चार आपका बाहर निकल गया, तो वही मैंने चार यहाँ लिखा हुआ है। और इस तरह से इक्वल टू जीरो है तो जीरो, या आपको बताया गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है तिरछा तिरछी गुणा, तो यहाँ जीरो से गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा और उसके बटा में कुछ नहीं तो एक मान के चलिए, तो इस तरह से माइनस थ्री वाई माइनस फोर वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस सेवन वाई इक्वल टू रूट टू में जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, या वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा तो रूट यहाँ रूट माइनस में सात है बराबर किधर भेजेंगे तो जीरो के बटा में जाएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि कोई भी संख्या जीरो के बटा में जाता है तो उसका मान जीरो हो जाता है, आपको पहले से बताया गया इस बात को। तो यहाँ वाई का मान जीरो हो गया। अब इसी को समीकरण एक में यहाँ भरते हैं, यानी समीकरण लिखिए यहाँ समीकरण एक में, यानी एक क्या है हम लोग का रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई बराबर जीरो है में रखने पर, तो इस पर अगर हम रखते हैं तो देखेंगे वाई का मान यदि जीरो आया है तो वाई का मान जीरो आया तो यहां देखेंगे यानी कि रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई का मान यहाँ जीरो हो गया बराबर जीरो है, तो किसी भी संख्या में जीरो से जब गुणा करेंगे जैसे यहाँ रूट टू एक्स है रूट टू एक्स है जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो से भाग भी करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ जीरो जीरो के साथ जुड़ेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, या एक्स बराबर क्या हो जाएगा तो रूट दो जो है यह भी गुणा में है बराबर किधर आएगा तो जीरो को बटा में जाएगा तो इसका मान जीरो, इसलिए एक्स बराबर यहाँ एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर क्या हुआ जीरो, ये दोनों मान आपका क्या हुआ जीरो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। पुनः आप यहाँ देखेंगे पांचवे के बाद छठे जो प्रश्न है हल में, आप छठे प्रश्न को देखते हैं कि छठे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, थ्री एक्स बाई टू माइनस फाइव वाई बाई थ्री इक्वल टू माइनस टू दिया है, यहाँ एक्स बाई थ्री प्लस यहाँ वाई बाई टू दिया है इक्वल टू तेरह बटा छ दिया है, देख रहे हैं यहाँ। तो इस तरह से यहाँ समीकरण एक से चलते हैं समीकरण एक से, तो एक में क्या है हम लोगों का थ्री एक्स बाई टू माइनस फाइव वाई बाई थ्री इक्वल टू माइनस टू है, या आप लिख सकते हैं इसको कि थ्री एक्स बाई टू इक्वल टू माइनस टू है, प्लस माइनस में बराबर की तरफ भेजेंगे तो प्लस में फाइव वाई बाई थ्री हो जाएगा, देख रहे हैं। इसको आप हल कर लें आसान होने के लिए, यानी थ्री एक्स बाई टू हो गया इक्वल टू यहाँ बटा में कुछ नहीं तो एक है, एक तीन का एलसीएम क्या होगा तीन होगा, तीन एकम तीन और तीन दूना माइनस छ और प्लस तीन एकम तीन और पांच एकम पांच वाई, इस तरह से एक बार लिख लीजिए इसको, या थ्री एक्स बाई टू इक्वल टू क्या है माइनस छ प्लस पांच वाई बाई थ्री, इसको तिरछा तिरछी आप गुणा कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा यहां तीन तरीका नौ एक्स हो गया इक्वल टू छ दूना माइनस बारह हो गया प्लस दो पचे क्या हो गया आपका दस हो गया दस वाई, या नौ जो है गुणा में है बराबर किधर जाएगा तो एक्स के बराबर में आपका क्या हो गया कि माइनस बारह प्लस दस वाई या बटा नौ हो गया। आप एक्स का मान देख लिए समीकरण एक से आपने निकाला, तो जब एक्स का मान समीकरण एक से निकाला तो इसी को लिखेंगे समीकरण दो में एक्स का मान रखने पर, तो एक्स का मान आपका है कि माइनस बारह प्लस दस वाई बटा नौ है, तो आप देखिए समीकरण दो क्या है कि एक्स बटा तीन है तो एक्स जैसे आपका हो गया इतना कि माइनस बारह प्लस दस वाई बटा नौ के बटा में तीन है, देख रहे हैं के बटा में तीन है बराबर यहां आपका वाई बटा दो है तो वाई बटा दो इक्वल टू तेरह बटा छ है तो तेरह बटा छ, आप इसको चाहे तो एलसीएम करके इसको छोटा करके भी बना सकते थे लेकिन मैंने बिना एलसीएम किए हुए डायरेक्ट इसको बनाने का प्रयास किया ताकि आप समझ सके, किसी तरह की परेशानी होगा तो आप निश्चित कमेंट करेंगे या आप लिखेंगे यहाँ ये पलटेगा तो क्या होगा कि माइनस बारह प्लस दस वाई के बटा में नौ है और पलटेगा तो क्या होगा इसके बटा में कुछ नहीं तो एक है तो एक ऊपर चला जाएगा और तीन नीचे आ जाएगा तो नौ के साथ तीन गुणा में हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद आपका यह प्लस में था यह प्लस वाई बटा दो बराबर तेरह बटा क्या हो गया छ हो गया, इसको ऊपर लिखते हैं नीचे शायद नहीं दिखेगा आपको, या लिखेंगे कि यहां देखते हैं कि माइनस बारह एक बार लिख लेते हैं प्लस दस वाई
बटा 9 3 कितना हो गया 27 और प्लस y बटा 2 इक्वल टू 13 बटा क्या है 6 है, या यहां 27 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 27 दूना आपका क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, 27 दूना 54, 54 में 27 से भाग देंगे 2 होगा और 2 में ऊपर वाला से गुणा करेंगे तो -12 है तो -24 हो जाएगा और प्लस 10 है तो 20y हो जाएगा और प्लस आपका 54 में 2 से भाग देंगे 27 और 27 में y से गुणा करेंगे तो 27y हो जाएगा बराबर 13/6 हो गया। इसको यहां मिटा लेते हैं या अब देखें यहां कि -24 है तो -24 यहां प्लस में 20y है माइनस का 27y है तो 27 और 20 कितना होता है आपका 47 होता है प्लस में होगा 47y बटा 54 बराबर 13/6 हो गया। इसको घटा दीजिए 9 6 54 थोड़ा सा आसान हो जाएगा छोटा हो जाएगा और यहां पे आपका क्या हो जाएगा कि -24 प्लस 47y बटा 9 इक्वल टू 13 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए 33 से गुणा करेंगे तो 33 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो -24 ही रहेगा प्लस 47y रहेगा इक्वल टू 13 में 9 से गुणा करेंगे तो 13 9 117 हो जाएगा ठीक है, या 47y इक्वल टू 117 है यहाँ पहले से माइनस में 24 है बराबर किधर भेजेंगे तो प्लस में 24 हो जाएगा या आपका y बराबर क्या हो जाएगा तो यहाँ इसको आप जोड़ लीजिए 47 गुणा में आएगा तो बटा में होगा 47 और यहाँ जोड़ लीजिए कि 24 और 7 कितना हो जाएगा 7 4 11 का 1 हाथ में 1 और 2 1 3 हाथ में का 1 4 और 1 का 1 हो गया 141 तो 141 से यहाँ 47 से कटाने की बात है आप देख रहे हैं 7 3 21 तो 3 बार में कट जाएगा इसलिए y बराबर क्या हो गया 3 हो गया। अब y बराबर 3 हो गया तो इसी को समीकरण 1 में आप रख के देख सकते हैं लिखेंगे कि y का मान समीकरण आप 1 में रखें चाहे 2 में रखें किसी में भी रख सकते हैं आप 2 में ही रखिए चाहे अभी 2 पे हम लोगों ने सॉल्व किया था तो 1 पे ही देखते हैं 1 में रखने पर तो 1 क्या है हम लोगों का 3x प्लस बटा 2 माइनस 5y बटा 3 इक्वल टू माइनस 2 है या जहां x है जहां y है वहां 3 रख देते हैं 3x बटा 2 माइनस 5y है तो 5y की जगह पर 3 हो गया बटा 3 है बराबर माइनस 2 है तो इसको हमने लिख दिया। इसको ऊपर मिटाते हैं फिर और यहां 3x यहां में करके लिखेंगे 3x बटा 2 माइनस 5 3 15/3 बराबर माइनस 2 या 3x/2 इक्वल टू माइनस 2 पहले से है ये माइनस में 15/3 है बराबर किधर भेजते हैं तो प्लस में हो जाएगा 15/3 इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है तो इसका भी एलसीएम कर लीजिए 3x/2 इक्वल टू 1 और 3 का एलसीएम आपका क्या हो गया 3 हो गया 3 में 1 से भाग देंगे 3 और 3 में माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 6 और प्लस 3 एकम 3 1 हुआ और 1 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 हो गया या यहाँ लिखेंगे कि 3x/2 इक्वल टू 15 से 6 जाएगा तो 15 6 जाएगा कितना होगा 9/3 आप इसको कटा भी सकते हैं 3 3 9 या 3x/2 आपका है बराबर 3/1 है 37 से गुणा करेंगे यानी आपका हो जाएगा 3 से 1 बार में भी कट जाएगा ऐसे भी आप कटा सकते थे यहीं कटा सकते थे आप तो यहीं कटा सकते थे तो आपका हो जाएगा x/2 इक्वल टू 1 तो यहाँ 37 जब गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इसलिए x बराबर आपका 2 हुआ और y बराबर क्या था 3 आया था ये आपका आंसर हो गया ठीक है। तो बहुत आसान है आपको बस थोड़ा सा कंसिस्टेंट होकर समझते रहना है आप कॉपी और कलम का सहयोग करते रहें और उसका सहयोग लेते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप मैथ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं आपके लिए मैथ इतना आसान होगा जितना आप सोचे भी नहीं होंगे तो आप देखते हैं। और इसके साथ अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि दूसरे प्रश्न में जैसे देखेंगे क्या है देखिए दूसरे प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 इसको हल कीजिए इसको हल करना है और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपका y = mx + 3y 3 हो। तो इस तरह से जब हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर रहे हैं तो इसको भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करके देखते हैं
क्योंकि इस चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि का ऊपर जिक्र किया गया है, तो इस विधि से इसको हल किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे हल में कि 2x + 3y है बराबर 11 है, 11 है तो हम 11 लिखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि 2x + 4y है बराबर -24, तो -24 समीकरण एक लेते हैं, समीकरण दो लेते हैं। अंत में हमें यहाँ m का मान ज्ञात करना है, तो m का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले x और y का मान ज्ञात हो जाएगा, तो m का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ लिखते हैं समीकरण एक से, तो एक में चलते हैं, एक में क्या है कि 2x + 3y = 11, या यहाँ लिखेंगे कि 2x = 11 पहले से है, 3y यहाँ प्लस में है, बराबर की तरफ जाएगा तो माइनस में 3y हो जाएगा, या आपका x बराबर क्या हो जाएगा तो 2 में है बटा में आ जाएगा, और ये आपका 11 - 3y है तो 11 - 3y, तो x का मान आपने देखा यहाँ पे 11 - 3y / 2 हुआ। तो इसी को हम समीकरण दो में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण दो में समीकरण एक से x का मान रखने पर, यानी x का मान जो निकला x का मान रखने पर, तो जब इसका मान हम रखते हैं तो देखेंगे कि 2x है, तो 2 × x का मान कितना है 11 - 3y / 2 है, प्लस 4y है तो 4y = -24 है, तो -24 हुआ, 2 से 2 कटा दीजिए आसान रहेगा, या आप इसको लिख सकते हैं कि यहाँ 11 - 3y प्लस यहाँ 4y है तो 4y = क्या है -24, तो -24, या आप इसको लिख सकते हैं फिर यहाँ कि 11 और या माइनस में 3y है प्लस में 4y है, तो 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ प्लस में एक y बच जाएगा बराबर -24 है तो -24, या यहाँ आपका हो जाएगा y = तो माइनस में 24 है तो -24। इसके बाद देखेंगे यह जो है आपका यह प्लस में 11 है बराबर की तरफ भेजेंगे तो माइनस में 11 होगा, या आपका हो जाएगा y = -35। y = क्या हो गया -35, और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, और m का वह मान ज्ञात करना है। यहाँ m का मान हमें ज्ञात करना है कि वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए हमारे यहाँ दिया हुआ है कि y = mx + 3 दिया है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हल के रूप में कि हम समीकरण को उतार लेते हैं कि 2x + 3y = 11 दिया है, और दूसरा आपका दिया है कि 2x - 4y = -24 दिया है। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण क्या हुआ सेकंड हो गया। तो यहाँ चलते हैं कि समीकरण फर्स्ट से, जैसे पहले सवाल में जब हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किए तो इसमें भी प्रतिस्थापन विधि का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में आपका क्या है, समीकरण फर्स्ट से 2x + 3y = 11 है तो 11 कर दिए, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2x बराबर यहाँ 11 पहले से है, 3y यहाँ प्लस में है, बराबर की तरफ भेजेंगे तो क्या होगा कि 3y माइनस में हो जाएगा, या x बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 11 - 3y यहाँ है और 2 गुणा में है x के साथ, तो 2 आकर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, पुनः यह समीकरण दो में समीकरण एक से x का मान रखने पर, यानी x का मान जो मैंने निकाला, या x का मान यहाँ क्या करेंगे समीकरण दो में हम रखते हैं, तो दो में क्या है कि 2x - 4y = -24 है, या हम इसको अब लिख सकते हैं कि x का मान जब रखेंगे तो यहाँ 2x, तो x यहाँ पर क्या हो गया आपका 11 - 3y / 2, अब माइनस है 4y = -24 है तो -24 हो गया। अब 2 से 2 को कटा सकते हैं, लंबा नहीं प्रक्रिया होने के चलते, अब छोटा प्रक्रिया कर लेंगे इसको, या माइनस में यहाँ 11 - 3y है और माइनस में 4y है बराबर -24 है, तो जो का तो मैंने उसे उतार दिया। पुनः यहाँ लिखेंगे कि -3y या -4y कितना हो जाता है -7y बराबर यहाँ आपका -24 है। अब आप सोच रहे हैं कि 11 को मैंने क्यों छोड़ दिया, तो 11 को इसलिए छोड़ दिया कि बराबर इधर छोड़ के इधर लिखना है, तो प्लस में 11 है तो माइनस में 11 चला गया, या आपका यहाँ लिख सकते हैं कि -7y = -35, देख रहे हैं, या आपका वाई बराबर क्या हो जाएगा तो -35, आप -7y गुणा में है तो आकर बटा में हो जाएगा -7, तो यहाँ -- कट गया, 7 + 35 = 5 हो गया, इसलिए लिखेंगे वाई बराबर कितना हो गया 5 हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से हो रहा है, बस इत्मीनान से आप देखते चले, बहुत आसान होगा। इस तरह से समीकरण एक में चाहे दो में किसी में भी, एक में y का मान रखने पर, y का मान जो यहां निकला, y का मान रखने पर, तो y का मान क्या आया था 5 आया था,
और समीकरण एक क्या है कि 2x प्लस 3y, तो y की जगह पर 5 हो गया, बराबर 11 है तो 11, या 2x बराबर यहाँ 11, 5 नहीं कितना हो गया 15, या प्लस में है बराबर की तरफ भेजेंगे तो माइनस में 15 हो जाएगा, या x बराबर आपका क्या हो जाएगा तो 2 गुणा में आएगा तो बटा में होगा, इसके पहले आप 11 में से 15 घटाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, तो 2 दुना 4 यानी कि माइनस 2 हो गया, इसलिए x बराबर कितना हो गया माइनस 2 हो गया, देख रहे हैं। अब यहाँ फिर आप लिखेंगे क्या कि जैसे आप देखेंगे कि समीकरण आपका जो है, अब समीकरण को हटाइए, यहाँ x का मान आपका हो गया माइनस 2, y का मान 5 हो गया, आप लिख सकते हैं इसलिए x बराबर माइनस 2, y बराबर कितना हो गया 5 हो गया, तो इसको बस यहाँ रहने दीजिए। और आपका सवाल में जो दिया हुआ है बनाने के लिए कि x का मान हमें ज्ञात करना है, y का मान तो ज्ञात हो ही गया, तो इस तरह से यहाँ m का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपका दिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 दिया है, तो आप यहाँ में लिख सकते हैं कि y का मान कितना था, y का मान आपने 5 यहाँ ज्ञात किया है, तो y की जगह पर 5 लिख देंगे बराबर m, और x का मान कितना है तो माइनस 2 है इंटू प्लस 3 है तो 3, या आप इसको पहले लिखे चाहे इसको पहले लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको पहले लिख देंगे 2 में माइनस 2 में m से गुणा करेंगे तो माइनस 2 m हो गया, प्लस 3 हो गया बराबर 5 है तो 5, या माइनस 2 m इक्वल टू यहाँ 5 पहले से है और 3 प्लस में है बराबर की तरफ भेजेंगे तो क्या होगा माइनस में 3 चला जाएगा, या आपका हो जाएगा m बराबर तो 5 में से 3 जाएगा कितना होगा कि 2, और माइनस में यहाँ 2 है गुणा में है तो आएगा तो बटा में हो जाएगा लेकिन माइनस 1 हो जाएगा, इसलिए m का मान कितना हुआ माइनस 1, यह आपका मूल आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना आसानी से हो रहा है। इस तरह से फिर आप तीसरे प्रश्न को देखेंगे, तीसरे प्रश्न में जो दिया हुआ है कि देखिए तीसरे प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाने हैं, कि निम्न समीकरण में जो संख्याएं दिए गए निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, तो इनका हल जो हमें ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही ज्ञात करना है। तो देखेंगे यहाँ हमारा यह जो सवाल दिया हुआ है, सवाल में क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की तिनगुनी है, तो तिनगुनी है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ बातों को पहले हम समझेंगे कि दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो निश्चित है कि दो संख्याओं में एक बड़ी संख्या होगी एक छोटी संख्या होगी, तभी तो उसका अंतर 26 हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना कि बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा। और प्रश्न से आपका दिया हुआ है, प्रश्न से दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो इसका मान कितना हो जाता है 26 हो जाता है। इसे समीकरण एक मैंने रख दिया कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो इसका अंतर कितना हो रहा है 26 हो रहा है। पुनः यहाँ कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, पुनः यहाँ प्रश्न से देखते हैं, पुनः प्रश्न से, तो इस प्रश्न से देखेंगे तो पहली संख्या दूसरी संख्या को अगर हम बराबर करते हैं तो बराबर करने के कंडीशन में एक बात हमें ध्यान रखेंगे कि इसका अंतर क्या है कि पहली संख्या बड़ी संख्या जो है वह तिनगुनी की स्थिति में है, यानी कि यह तिनगुना है, तो तिनगुना है तो या तो इसमें 3 से भाग कर देंगे तो यह छोटी संख्या के बराबर होगा, नहीं तो छोटी संख्या में 3 से गुणा कर देंगे तो बड़ी संख्या के बराबर होगा, तिनगुना का अंतर करना है तो यह तिनगुना है तो इसमें 3 से गुणा कर दिए छोटी संख्या में तो इसके बराबर हो गया तो x बराबर 3y हो गया, या हम इसको लिख सकते हैं कि x बराबर के इधर है तो हम बराबर के पहले लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा 3y बराबर 0 हो गया, समीकरण 2 हो गया। देख रहे हैं हमारा यहाँ रैखिक समीकरण तैयार हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 1 में क्या है हमारा x माइनस वाई बराबर 26 है, या हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना होगा तो 26 और माइनस में y है तो प्लस में y हो जाएगा। ठीक है, पुनः यहां करेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 से x का मान रखने पर यानी 1 में जो x का मान निकला वो समीकरण 2 में जब रखते हैं तो देखिए क्या होता है, समीकरण 2 क्या है x माइनस 3y बराबर 0 है तो x की जगह पर क्या हो गया आपका 26 प्लस y हो गया, अब माइनस में 3y है तो माइनस 3y अब बराबर 0 है तो 0, या आप इससे लिख सकते हैं कि 26 और 1y से 3y जाएगा तो माइनस में 2y बच जाएगा बराबर 0 है तो 0,
या माइनस दू वाई बराबर या 26 प्लस में है बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जीरो के साथ माइनस होगा तो जीरो ही वो 26 ही होगा और माइनस में ही होगा, या माइनस से माइनस आप कटा लीजिए वाई बराबर क्या हो गया तो 26 और दो गुणा में है तो बटा में चला गया यानी 13 दूना 26, इसलिए वाई का मान कितना हो गया 13 हो गया। देख रहे हैं पुनः आप यहां देखेंगे समीकरण एक में वाई का मान रखने पर, एक में आप वाई का मान रखिए तो एक में वाई का मान रखने पर आपका एक क्या था कि एक्स माइनस वाई, वाई का मान कितना आ गया तो 13 आ गया, बराबर 26 है तो 26, या आपका x बराबर क्या हो जाएगा कि 26 पहले से है यहां लिखेंगे, या x बराबर 26 पहले से है 13 माइनस में बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, या x बराबर क्या हो गया आपका 26 और 13 कितना हो गया 39, इसलिए आपका हो गया x बराबर 39 और y बराबर कितना हो गया 13 हो गया। आप ऐसे भी देख रहे हैं कि तीन गुना का अंतर है 39 आपका यह सिद्ध भी हो जाता है। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न देखिए कि दूसरा में क्या दिया हुआ है। देखिए इसका दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है दो का या तीन का दूसरा देखेंगे कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहां हम क्या करेंगे कि दो संपूरक कोण समझ रहे हैं कि जहां संपूरक कोण का मतलब कि अगर दोनों संपूरक कोण को एक साथ जोड़ा जाए तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि दोनों संपूरक कोण का मान यदि 180 डिग्री होता है तो हम देखेंगे यहां लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि हल के रूप में हम शुरू करते हैं कि माना कि इसमें दो कोण है तो एक निश्चित है कि बड़ा होगा और दूसरा कोण क्या होगा छोटा होगा। तो माना कि यहां बड़ा कोण हम ले लेते हैं, बड़ा कोण बराबर एक्स और छोटा कोण बराबर क्या हो जाएगा छोटा कोण बराबर आपका हो जाएगा वाई। इसलिए प्रश्न से देखिए प्रश्न से आपका दिया हुआ है प्रश्न में दिया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण यदि एक्स है और छोटा कोण वाई है तो एक्स से वाई घटाते हैं तो 18 डिग्री हो जाता है, क्योंकि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो बड़ा कोण से छोटा कोण घटाएंगे तो 18 डिग्री इसका मान आएगा। यह आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः यहां प्रश्न से देखिए कि पुनः प्रश्न से अगर लेते हैं तो पुनः प्रश्न से क्या दिया है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए आप ऐसे भी जानते हैं कि दोनों कोणों को अगर जोड़ते हैं x प्लस वाई बराबर तो क्या हो जाता है 180 डिग्री हो जाता है, समीकरण आपका क्या हो गया सेकंड हो गया। तो इस तरह से आप समीकरण एक से चलते हैं, समीकरण एक से तो एक में आपका क्या है x माइनस वाई बराबर 18 है, या आपका हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा तो 18 पहले से है, माइनस में y है बराबर किधर भेजेंगे तो प्लस में y हो जाएगा। ठीक है तो यहां x का मान आप देखें इतना हुआ तो लिखेंगे कि समीकरण दो में समीकरण एक से x का मान रखने पर, अगर x का मान रखते हैं x का मान रखने पर तो x का मान देखिए क्या है तो यहां समीकरण दो में देखिए x की जगह पर क्या हो गया आपका 18 प्लस वाई है तो 18 प्लस वाई लिख दीजिए, अब प्लस यहाँ वाई है तो वाई बराबर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक वाई और एक वाई कितना हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा बराबर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री, और आपने देखा कि 18 को मैंने छोड़ दिया था तो 18 को बराबर किधर ले जाने के लिए छोड़ा था तो यहाँ लेके आएंगे तो प्लस में तो माइनस में 18 हो जाएगा। ठीक है या आपका हो जाएगा कि 2y बराबर कितना हो जाएगा 18 में से 180 में से 18 घटेगा तो 0 में 60 गया आपका 2 हो गया, यहाँ 7 में से 1 गया 6 हो गया 162 हो गया, या वाई बराबर क्या हो जाएगा तो 162 और 2 गुणा में है तो आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो 2 जब बटा में हो जाएगा तो आपका घटेगा 8 दूना 16 और 2 एकम 2 81 डिग्री हो गया। ठीक है इसलिए वाई बराबर क्या हुआ 81 डिग्री हुआ। अब इसी को समीकरण एक में चाहे समीकरण दो में मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण एक में y का मान रखने पर, एक में y का मान रखने पर तो एक क्या है x माइनस वाई है तो x माइनस वाई का मान आपका 81 हो गया, 81 डिग्री या बराबर 18 है तो 18, या x बराबर 18 पहले से है 81 माइनस में है बराबर किधर भेजेंगे तो प्लस में 81 हो जाएगा 18 डिग्री और 81 डिग्री, या x बराबर आपका क्या हो गया x बराबर 819 और 819 99 डिग्री, इसलिए x बराबर आपका 99 डिग्री और y बराबर क्या हुआ 81 डिग्री, यानी इस तरह लिखेंगे कि बड़ा कोण x बराबर यानी बड़ा कोण आपका x बराबर क्या हुआ इसलिए बड़ा कोण x बराबर आपका हो गया 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर कितना हो गया 81 डिग्री,
यही दोनों आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। इसके बाद आप देखेंगे इसका जो तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरे प्रश्न में जो दिया हुआ है आपका बहुत ही ये भी आसान है, बस ऐसे प्रश्न का जब भाषा में दिया हुआ है एक बार समझने की जरूरत है, एक बार समझ लेंगे आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे दिया हुआ है कि क्रिकेट टीम में एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 38 रुपया में खरीदे, 7 को बल्ला खरीदा, बल्ला यानी बैट, और 6 को गेंद खरीदा 38 रुपया में। बाद में उसी ने क्या किया कि 3 बल्ला और खरीदा और 5 गेंद भी खरीदा, जिसका मूल्य उसे चुकाना पड़ा 1750 रुपये। देख रहे हैं तो प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो जब प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का, यानी आप मैथ में बस इतना याद रखें कि जो पूछा जाता है किसको ज्ञात करें उसी को मान के चलते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं सबसे पहले हल में हम क्या करेंगे कि माना कि एक बल्ले की कीमत आप यहाँ करते हैं x रुपया, और एक गेंद की कीमत कितना कर देते हैं बराबर y। एक बल्ले का कीमत आपका x रुपया और एक गेंद का कीमत कर देते हैं y रुपया। और प्रश्न से देखिए आपका दिया हुआ है, बस उस मान को आपको लिख देना है। प्रश्न में क्या दिया कि 7 बल्ले, एक का तो आपने x माना, तो 7 बल्ले यानी 7x हो गया, और का मतलब यहाँ और कर दीजिए, प्लस कर दीजिए 6 गेंद, तो एक गेंद का तो y माने हैं, तो 6 गेंद का क्या हो जाएगा 6y हो गया, बराबर 38 है तो 38 हो गया, समीकरण स्पष्ट हो गया। आपको देख रहे हैं कितना सारा समझ लिए। इस तरह से आप बाद में उसी क्रिकेट टीम के कोच ने क्या किया कि 3 बल्ले, यानी 3 बल्ले का मतलब 3x, और 5 गेंद यानी 5y बराबर कितना भुगतान किया 1750 रुपये, ऐसा समीकरण सेकंड देख लिए। तो आपका रैखिक समीकरण तैयार हो गया। फिर आप उसको प्रतिस्थापन विधि से कहीं हल करेंगे या लिखेंगे समीकरण, एक से चलते हैं तो एक में क्या है आपका 7x प्लस 6y है, 6y बराबर 3800 है, तो 3800 कर दीजिए, या आप ऐसे लिखेंगे कि 7x बराबर 3800 और यह 6y है, प्लस में आएगा तो माइनस में 6y हो जाएगा, या आपका x बराबर क्या हो जाएगा तो 3800 माइनस 6y, और यहाँ 7 गुणा में था हटा दिया है तो यह आकर बटा में तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को आप लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 में, समीकरण 1 से इसका मान है तो x का मान रखने पर तो x का मान रखेंगे समीकरण 2 में, यानी 3x है तो 3 इंटू x का मान कितना है आपका 3800 माइनस 6y बटा 7 है, तो x जब मैंने रख दिया प्लस 5y है तो 5y बराबर 1750 है, तो 1750 जो है उसको मैंने उतार दिया। अब आप यहाँ 3800 में इससे गुणा करेंगे, 3800 में गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा करें तो 0 का 0 आपका हो गया, 8×3=24 हो गया, हाथ में 2 हो गया, 8×3=9=2=11 हो गया, 11400 बटा में 7 है तो 7 हो गया, ये वाई था तो वाई हो गया। इसके बाद यहाँ माइनस, फिर यहाँ 3 में 6 से गुणा करें 36×18y हो गया, प्लस में 5y है तो 5y अगर आप कितना है 1750 है तो 1750, या इसके बटा में कुछ है तो 1 है, 1 और 7 का अनुकम लेंगे तो 7 होगा, या ज्यों का त्यों रहेगा 7×7 और 1 से गुणा करेंगे तो 11400 ज्यों का त्यों रह गया, माइनस यहाँ 18y है तो 18y, और फिर प्लस है तो प्लस, 7 में 1 से भाग देंगे 7 बार में कटेगा, 7 में 5 से गुणा करेंगे 7×6=35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा बराबर आपका 1750 है तो 1750 हो गया, या आप लिखेंगे फिर यहाँ 35 को वाई में से 18 को वाई घटाएंगे, ये पहले आपका 11400 है तो 11400 और प्लस वाला अंक बड़ा है तो इसका हम चिन्ह लिखेंगे प्लस, यानी 5 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ बच गया 2 में से 1 गया 1 हो गया 17y बटा 7 बराबर 1750। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, प्लस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 36 से गुणा करेंगे तो ज्यों का त्यों 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, या आप लिखेंगे 11400 और प्लस 17y है तो 17y अगर आप 7 से इसको गुणा करें तो 700 7×35 5 हाथ में 3 7×49 और 3
52 के दो हाथ में 5, 7 एकम 7 और 1, 7 सात एकम 7 और हाथ में 5 12, यानी ये हो गया 12,250 या आपका हो जाएगा 17y बराबर, आप ऐसे देख सकते हैं कि यह प्लस में है बराबर की दरवाई है, तो 12,250 और माइनस हो जाएगा 11,400 या वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 17 गुणा में आएगा तो घटा में हो जाएगा 17, और आप क्या करेंगे इसको घटा, तो घटाएंगे 0 में से 0 गया 0 हो गया, फिर 5 में से 0 गया 5 हो गया, यहाँ आपका 2 में से 4 जाएगा इधर, इधर से 12 से 8 गया 4 गया 8 हो गया, और यहाँ आपका 1 से 1 गया बस 850, और 17 से इसको भाग देंगे 17 50 यानी 50 हो गया, इसलिए वाई का मान कितना हो गया 50 हो गया, देख लीजिए कितना आसानी से कट गया। और इस तरह से आप इसी का मान यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब वाई का मान रखेंगे तो आप देखिए कि समीकरण 1 क्या है आपका, तो समीकरण 1 आपका है वाई का मान कितना आया था 50 आया था, तो समीकरण 1 में आपका इतना है, तो यहाँ वाई का मान यानी कि 7x है, तो 7x प्लस 6y है, 6y की जगह पर आपका 50 हो गया बराबर 3800, या आप लिखेंगे कि 7x इक्वल टू 3800 पहले से, या इसको एक बार और लिख लीजिए 6×35 प्लस 300 हो गया बराबर 3800, या आपका हो गया यहाँ कि 7x बराबर 3800, और ये जो है आपका माइन प्लस में 300 है तो आकर माइनस में 300 हो गया, या आपका ऐसे होगा एक्स बराबर तो 7 गुणा में है बराबर की तरफ भेजेंगे तो भाटा में चला जाएगा, और 3800 में से 300 जाएगा तो क्या होगा 3500 हो जाएगा, तो 7×35 यानी कि 2500, इसलिए एक्स बराबर हो गया 500 और वाई बराबर कितना आया था 50, तो आप लिखेंगे इसलिए एक बल्ले का कीमत, इसलिए एक बल्ले का कीमत देख लीजिए, यहाँ बल्ले की कीमत x माना गया था तो x का मान हो गया 500 रुपया, और एक यहाँ आपका गेंद की कीमत इसको y माना गया था तो y का मान कितना है 50 रुपया, यानी 500 रुपया और 50 रुपया आपका आंसर तैयार हुआ। और इस तरह से आप फिर इसके चौथे प्रश्न को देखेंगे, चौथे में जैसे आपका दिया हुआ है, देखिए चौथे प्रश्न में जैसे दिया हुआ है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, टैक्सी का जो भाड़ा है इस भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, माने नियत भाड़े का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि टैक्सी में बैठ गया तो आपका भाड़ा लग गया, ये नियत भाड़ा आपका समझ लीजिए, और इस तरह से 1 किलोमीटर का भाड़ा कुछ निश्चित है, 2 किलोमीटर पे यानी प्रत्येक किलोमीटर पे भाड़ा कुछ निश्चित है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए उसको 105 रुपये देना पड़ता है, उसमें नियत भाड़ा भी है और किलोमीटर का दूरी के भाड़ा भी है, ठीक है, और तथा यहाँ कहा जाता है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 155 रुपये देना पड़ता है, यानी कि इसमें भी नियत भाड़ा भी है और 15 किलोमीटर दूरी का भी भाड़ा है, तो कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है यह ज्ञात करना है। और दूसरा बात यह कह रहा है कि मान के चलिए कि आपको इसी टैक्सी के माध्यम से 25 किलोमीटर की दूरी तय करना हो तो आपको कितना भाड़ा देना होगा, तो यहाँ पे हल में हम क्या करेंगे, जो जैसा पूछा जाता है मैंने अभी बताया था कि जो पूछा जाता है उसको पहले हम मान लेते हैं, और मान लेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल में कि माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर एक्स रुपया तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर आप मान लीजिए वाई रुपया, ठीक है, इसलिए प्रश्न के प्रथम भाग से आपका है, यानी प्रश्न से आप देखेंगे कि 10 किलोमीटर दूरी चलने के लिए यानी नियत भाड़ा तो आपको लगेगा ही, तो एक्स प्लस 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यानी कि वाई, तो 10 किलोमीटर 10 वाई बराबर आपका कितना भुगतान करना है, तो 105 रुपया का भुगतान करना है, यह आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः आप दूसरे प्रश्न से देखेंगे, कि कह रहा है फिर यहाँ कि 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए यानी कि नियत भाड़ा तो आपको देना ही होगा, आप प्लस 15 किलोमीटर में 15y बराबर कितना आपको भुगतान करना है 155 रुपया, तो आपका दूसरा समीकरण भी यहाँ तैयार हो गया। और दूसरा समीकरण जब तैयार हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से एक से हम देखते हैं एक्स प्लस 10y बराबर कितना है 105 रुपया है,
या x बराबर आपका क्या हो जाएगा 105 और प्लस में 10y है तो माइनस में 10y हो जाएगा। तो x का मान यहां देख लीजिए कि 105 माइनस 10y हो गया, ठीक है। और इस तरह से यहां समीकरण दो में आप देखेंगे, समीकरण दो में समीकरण एक से x का मान रखने पर, यानी x का मान जो आया अभी, उस x का मान अगर रखते हैं समीकरण दो में, तो पहले समीकरण दो देखिए x क्या है, x प्लस, तो x यहाँ पे आपको हो गया 105 और माइनस 10y और प्लस 15y है तो 15y और बराबर 155 है तो 155 या लिखेंगे यहाँ, यानी कि आपका 105 है तो 105 और 15y में से 10y जाएगा तो प्लस में 5y बचेगा बराबर 155 या 5y बराबर 155 है आपका और 105 प्लस में है बराबर किधर भेजेंगे तो माइनस में 105 हो जाएगा, या आप ऐसे लिखेंगे या y बराबर तो 5 गुणा में है बराबर किधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा 5 और 155 से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 50, यानी 10 बचे 50, इसलिए y बराबर क्या हुआ कि 10 रुपया। अब इसी को समीकरण एक में रखते हैं, समीकरण एक में y का मान रखने पर, तो y का मान जैसे आपका 10 हुआ है तो समीकरण एक क्या है आपका x प्लस 10y है तो 10 गुणे y का मान क्या हो गया 10 हो गया बराबर 105 है तो 105 या x बराबर 105 पहले से है 10 नहीं है क्या हुआ 100 या प्लस में आएगा इधर तो माइनस में 100 हो जाएगा इसलिए x बराबर क्या हुआ आपका 5 रुपया हुआ, ठीक है। तो यहाँ आपका इसलिए नियत भाड़ा का कितना हुआ यहाँ ऊपर लिख सकते हैं, नीचे शायद नहीं लिखेगा आपको तो ऊपर लिखेंगे आप यहाँ इसलिए नियत भाड़ा x बराबर कितना हो गया 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर कितना हो गया 50 रुपया, यानी 1 किलोमीटर आप चलेंगे तो उसके लिए कितना चुकाना होगा आपको 10 रुपया, कितना चुकाना होगा 10 रुपया। और इस तरह से अगर आपको 25 किलोमीटर चलना है तो फिर आपका भी अपना भाड़ा तय करना है, आप समझ रहे हैं कि आपको भी भाड़ा देना है, किसको भाड़ा देंगे आप भाड़ा के रूप में आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है। तो यहां देखेंगे आप कि 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा, 25 किलोमीटर के लिए आपका x प्लस 25y हो जाएगा, यानी कि x का मान आपका 5 और प्लस 25y यानी कि 25 गुणे y का मान 10 यानी कि 5 और प्लस 250 बराबर कितना हो जाएगा 255 रुपया आपको भुगतान करना होगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि आप भुगतान कर दिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ मैथ कैसा लग रहा है, क्या आप इसे संतुष्ट हो पा रहे हैं या नहीं, आप निश्चित कमेंट करेंगे। और आप यहां देखेंगे इसके बाद का जो प्रश्न है, देखिए यहां पांचवें प्रश्न में जो दिया हुआ है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, इसमें से आपका निश्चित रूप से बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछता है, आप इसको एकदम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें, क्योंकि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और यदि वही भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करना है। सबसे पहले भिन्न के बारे में आप जाने कि भिन्न होता क्या है, जैसे आप जानते हैं कि भिन्न का मान होता है अंश और हर होता है, अंश बटा हर होता है, तो अंश और हर आपका ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे पहले हल में आप क्या करेंगे, यहाँ हल में चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे मान लेते हैं कि माना कि भिन्न का अंश, तो भिन्न का अंश आपका क्या हो जाएगा x मान लेते हैं, अंश बराबर x तथा हर बराबर कितना मान लेते हैं, हर बराबर y मान लेते हैं, ठीक है। इसलिए आपका भिन्न क्या होगा, यहाँ भिन्न बराबर क्या होता है अंश बटा हर, यदि होता है तो अंश बटा हर का मतलब क्या हुआ कि x बटा y आपका भिन्न हो गया, ठीक है, आपका भिन्न हो गया x बटा y। तो प्रश्न से आप देखेंगे कि प्रश्न में आपका जो दिया हुआ है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में, यानी अंश में भी और हर में भी दोनों में क्या करते हैं 2 जोड़ लेते हैं, यानी x में भी 2 जोड़ लेते हैं और y में भी 2 जोड़ लेते हैं, यानी अंश में भी 2 जोड़े और y में भी 2 जोड़ लिए तो उसका मान कितना हो गया 9/11 हो गया, यानी कि 9/11 जो दिया है 9/11 हो गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तिरछा तिरछी गुणा, यानी 2x + x + 2 से 11 में करेंगे तो 11 में x से करेंगे 11x + 11 दुना कितना हो गया 22 हो गया बराबर 9 में y से करेंगे तो 9y हो गया और प्लस 9 में 2 से करेंगे 9 दुना 18 हो गया। और इस तरह से आप जानते हैं कि एक जाति एक तरफ और दूसरा भी जाति जो होता है दूसरी तरफ आपको रखना होता है,
यानी कि अक्षर वाला एक तरफ करिए, अंक वाला एक तरफ करिए, या आप ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि 11x है तो 11x, और y वाला जो अक्षर वाला है इसको लाइए तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि प्लस में 9y है तो माइनस में 9y हो जाएगा, बराबर 18 पहले से है और यहाँ 22 प्लस में है, बराबर की तरह भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, पुनः आप यहाँ लिखेंगे कि 11x माइनस 9y बराबर, यहाँ 18 में से 22 हटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है, तो माइनस वाला अंक बड़ा है तो इसी का चिन्ह लिखेंगे, समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका पहला समीकरण तैयार हुआ। दूसरा रैखिक समीकरण के लिए देखेंगे, पुनः कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 जोड़ा जाए और हर में भी 3 जोड़ा जाए, तो यहाँ एक्स प्लस 3 कर देते हैं और वाई प्लस क्या करते हैं, 3 कर देते हैं, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है, भिन्न का मान हो जाता है 5/6। ठीक है, तो इसको आप इसको भी तिरछा तिरछी गुणा करें, प्लस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि यहाँ एक्स प्लस 3 में 6 से करेंगे, 6 में 3 से करेंगे, 6 में एक्स से करेंगे तो 6x, प्लस 6 में 3 से करेंगे, 6 3 18 हो गया बराबर, फिर 5 में वाई से करेंगे 5y, प्लस 5 में 3 से करेंगे, 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। फिर वही चीज, एक जाती एक तरफ, दूसरा भी जाती है दूसरी तरफ, यानी 6x है तो 6x रखिए और 5y प्लस में है, बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस में 5y हो जाएगा, बराबर 15 पहले से मौजूद है और यहाँ जो 18 है प्लस में है, बराबर की इधर करेंगे तो माइनस में 18 चला जाएगा। ठीक है, तो पुनः आप लिखेंगे या करके लिखेंगे 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ ये समीकरण क्या हुआ, आपका दूसरा तैयार हो गया। तो यहाँ समीकरण एक से अगर हम सॉल्व करते हैं, समीकरण एक से चलते हैं, क्योंकि सबको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करने हैं, तो प्रतिस्थापन से करने हैं, तो समीकरण एक में यानी एक से चलते हैं, तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 11x बराबर माइनस 4 माइनस 9y है, बराबर किधर करेंगे तो प्लस में 9y हो जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 9y जो है ज्यों का त्यों रह गया, 11 गुणा में है x के साथ, बराबर किधर जाएगा तो बाटा में 11 हो जाएगा। ठीक है, पुनः आप देखेंगे x का मान, यहाँ समीकरण एक से जो आपने ज्ञात किया, तो लिखेंगे समीकरण दो में, समीकरण एक से मान रखने पर, यानी जो x का मान निकाला गया वो मान समीकरण दो में जब रखेंगे, तो दो समीकरण क्या है हमारा, यहाँ पे इसको एक बार हम मिटाते हैं ताकि ऊपर लिखें, और यहाँ देखेंगे कि समीकरण दो हम लोगों का जो निकला है, या समीकरण दो क्या है, समीकरण दो है हम लोग का 6x माइनस 5y बराबर माइनस 3 है, तो जब मान रखेंगे यहाँ कि x का मान रखेंगे कि 6 × x का मान कितना है, माइनस 4 प्लस 9y बटा 11 है, और उसके बाद क्या है, यहाँ माइनस में 5 है तो माइनस 5 बराबर माइनस 3 है तो माइनस 3, या इसको आप लिख सकते हैं, या 6 में 4 से गुणा करेंगे 6 × 4 आपका 24 हो जाएगा, माइनस में 24, और इसी तरह से यहाँ प्लस है तो प्लस, 6 में 9 से 9 × 6 = 54 वाई है, बट आपका क्या है 11 है और माइनस 5y था, यानी 5y बराबर माइनस 3 है तो माइनस 3। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो एक है, एक और 11 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एक और 11 का एलसीएम आपका क्या होगा, 11 होगा, 11 × 1 = 11 और ज्यों कहते हो यानी माइनस 24 प्लस 54y आपका 54y और माइनस है तो माइनस, 11 में 1 से भाग देंगे 11 और 11 में 5 से गुणा करेंगे 11×55y बराबर माइनस 3 है तो माइनस 3, या आप इसको लिखें, या लिखेंगे कि 54 में से 55 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस 24 तो पहले से मौजूद है, यानी कि माइनस में एक वाई बचेगा, अब बटा में आपका हो गया 11 बराबर माइनस 3, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तिरछा तिरछी गुणा, तो एक से करेंगे तो ये माइनस 24 से रह जाएगा, माइनस 24 और माइनस वाई बराबर 11 × 33 माइनस में 33 हो जाएगा, या माइनस वाई बराबर आपका माइनस 33 पहले से मौजूद है और ये माइनस में 24 से बराबर की इधर करेंगे तो प्लस में 24 चला जाएगा यहाँ 33 के साथ। ठीक है, फिर यहाँ माइनस वाई बराबर क्या हो गया, यानी कि 24 से 33 घटेगा, तो घटेगा तो माइनस में ही होगा क्योंकि 33 का अंक बड़ा है, तो उल्टा घटाएंगे 33 में से आपका
33 में से 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कटा दीजिए, इसलिए x का मान क्या हो गया, 9 हो गया। अब इसी को समीकरण एक में रखें चाहे समीकरण दो में, समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखिए, तो समीकरण एक आपका क्या था, या समीकरण यहाँ जो आपका समीकरण दो में, समीकरण एक से मान रखने पर तो दो में रखा गया, तो दो में ही रखिए, आपका सम दो दिख रहा है तो दो यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दो में रखेंगे x का मान, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण दो क्या है, 6x है, तो 6x की जगह पर आपका क्या आ गया, x की जगह पर आपका 9 आ गया, तो 6 × 9 और माइनस 5y है, तो 5y बराबर माइनस 3 है, तो माइनस 3, या माइनस 5y बराबर माइनस 3, 9×6 = 54 प्लस में है, बराबर की तरफ भेजेंगे तो माइनस में 54 चला जाएगा, माइनस में 54 आ जाएगा, या y बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 5 गुणा में है आएगा, तो माइनस 5 क्या होगा, बाटा में हो जाएगा, और यहाँ 54 और 9 कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 54 आपका यहाँ 9×45 9×6 है, तो x का मान आपका कितना निकला था, यहाँ x का मान आप देखेंगे यहाँ, जैसे हाँ तो देखिए यहाँ पे जैसे मान रखने में x की जगह पे y का मान रखा चुका है, तो इसलिए यहाँ मान जो है कटने में परेशानी हो रहा है, तो यहाँ मान ऐसे रखेंगे कि जैसे समीकरण एक आपका है कि 6x और -5y है बराबर -33 है, -3 है, तो यह मान जैसे रख रहे हैं आप यहाँ कि जैसे मान रखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यह y का मान निकला, x का मान नहीं था, यह y का मान था, तो y का मान था, तो यहाँ पे 6x है और -5y है, तो 5y की जगह पे आप 9 कर दिए बराबर -3, तो -3, या 6x बराबर आपका क्या हो गया, -9×45 हो गया, और बराबर -3 है तो -3 हो गया, या आप लिखेंगे कि 6x बराबर -3 और -45 से बराबर की तरफ भेजेंगे तो प्लस में 45 हो जाएगा, ठीक है, या x बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 6 गुणा में है x के साथ, तो बटा में चला जाएगा, और 45 से 3 जाएगा तो 42 हो जाएगा, इन साक्षात 42 सात बार में कटेगा, इसलिए x बराबर 7 हो गया, और y बराबर कितना आया था, 9 आया था, इसलिए भिन्न बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर आपका हो जाएगा x/y था, x/y का मान आपका, x का मान 7 हो गया और y का मान क्या हो गया, 9 हो गया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा पांचवें प्रश्न को, फिर इसके बाद आप देखेंगे छठे प्रश्न में क्या है, तो छठे प्रश्न के रूप में आप पाएंगे यहां कि देखिए यहां जैसे छठे प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपका है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, लेकिन अभी वर्तमान में क्या क्या आयु है पता नहीं है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु जो था उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी था, यानी कि 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा, लेकिन आज से 5 वर्ष के बाद, यानी 5 वर्ष पहले की बात किया जाता है कि 7 गुना का अंतर था, आज से 5 वर्ष पहले 7 गुना का अंतर था, और आज से 5 वर्ष बाद क्या होगा, 3 गुना का अंतर हो जाएगा, तो कहा जा रहा है कि वर्तमान उम्र जैकब का क्या है और उसके पुत्र का क्या है, तो जो पूछा जा रहा है, जैसे मैंने बताया इसके पहले भी कि जो पूछा जा रहा है उसको पहले हम मान लेंगे, तो मानेंगे क्या, यहां हल में क्या करेंगे कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, मानना कि जैकब की वर्तमान आयु कितना है x वर्ष, तथा उसके पुत्री का भी आप मान लीजिए, जैकब की पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर कितना मान लेते हैं, y वर्ष, तो प्रश्न से दिया हुआ है, या अब चलते हैं पहले, अब चलेंगे कहां, तो 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद की बात किया जाता है, तो यहां लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो 5 वर्ष बाद, यानी कि मान लीजिए कि आज आपका उम्र 10 वर्ष है या आज आपका उम्र 14 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो उसमें 5 जोड़ देंगे, यानी 14×5 = 19 कर देंगे, तो उसी तरह से मान के चलिए कि इसका जब x माना गया है तो x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, और उसी तरह यह 5 वर्ष बाद जैकब के की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर आज 5y वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, y प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, देख रहे हैं प्रश्न से आपका क्या दिया है, यहां इसको हल करते चले, प्रश्न से आपका क्या दिया है, तो प्रश्न से आपका दिया है कि यह आयु जो है 5 वर्ष बाद जो है आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी का मतलब कि यह जो अभी उम्र है x प्लस 5
तो एक्स प्लस पांच और यहाँ वाई प्लस पांच, तो इस दोनों को अगर हम बराबर करना चाहते हैं, समीकरण बनाना चाहते हैं रैखिक समीकरण, तो बराबर करने के लिए यह तिगुना का अंतर है। कितना का अंतर है? तो तीन गुना का अंतर है। तीन गुना का अंतर यानी कि यह तीन गुना ज्यादा है, तीन गुना कम है, तो बराबर तो हो नहीं सकता है। बराबर करने के लिए यहाँ पुत्री में तीन से गुणा कर देंगे, तो पुत्री में जब तीन से गुणा करेंगे या पुत्र में जो है तीन से गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे समीकरण के रूप में बना सकते हैं, या आप लिखेंगे कि x प्लस पांच बराबर आपका तीन में y से गुणा करेंगे तो तीन वाई, आप प्लस तीन में पांच से गुणा करेंगे पंद्रह, या आप अक्षर वाले की तरफ लेके आए यानी कि x और तीन वाई प्लस में है, बराबर की तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। बराबर पंद्रह पहले से मौजूद है और पांच यहाँ प्लस में है, बराबर की तरफ भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। या x माइनस तीन वाई बराबर यहाँ पंद्रह में से पांच जाएगा, कितना हो जाएगा दस। यह समीकरण क्या हुआ? फर्स्ट तैयार हो गया, रैखिक समीकरण का पहला तैयार हुआ। पुनः यहाँ चलते हैं, अगला कंडीशन दे रहा है कि पांच वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब कि जैसे अभी बताया है कि आपका अभी उम्र 14 वर्ष है, तो पांच वर्ष पहले आपका क्या होगा, तो पांच वर्ष घटा लेंगे उसमें से, यानी कि 14 है तो पांच घटाएंगे तो 9 वर्ष के आप थे पांच वर्ष पहले। तो उसी तरह वर्तमान में इसका x है, तो यहां लिखेंगे कि पांच वर्ष पूर्व पूर्व जैकब की आयु बराबर, अभी वर्तमान में x है तो पांच वर्ष इसमें से घटा लेंगे, यानी x माइनस पांच वर्ष हो गया। और इसी तरह से इसके पांच वर्ष पूर्व जो है जैकब के पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, तो अभी y है तो y में से पांच घटा देंगे तो y माइनस पांच वर्ष हो गया। ठीक है, तो इस तरह यहाँ प्रश्न से दिया है, फिर से प्रश्न से दिया है कि पांच वर्ष पहले की बात किया जाता है, कि दोनों को हम चाहते हैं कि x माइनस पांच और y माइनस पांच को हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ अंतर दिया है कि अंतर क्या दिया है कि इसके उम्र में सात गुना का अंतर है। कितने गुना का अंतर है? सात गुना का, यानी कि यह सात गुना ज्यादा है तो बराबर तो होगा नहीं, तो पुत्र की आयु में सात गुना हम गुना कर देंगे, तो सात गुना गुना करेंगे तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कि x माइनस पांच है तो ज्यों का त्यों रह गया, और सात में y से गुणा करेंगे तो सात वाई, और माइनस सात में पांच से गुणा करेंगे सात पचे क्या हो गया पैंतीस हो गया। या आप ऐसे लिखेंगे कि x माइनस प्लस में है सात वाई तो माइनस में लाएंगे इधर सात वाई, या बराबर माइनस पैंतीस है तो माइनस पैंतीस, और पांच माइनस में है जाएगा इधर तो प्लस में पांच हो जाएगा। या आप ऐसे लिखेंगे कि x माइनस सात वाई बराबर पांच से पैंतीस जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तीस हो जाएगा। यह समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, दोनों समीकरण जब आपका रैखिक समीकरण यहाँ तैयार हो गया तो आप यहाँ पे इसको हल करेंगे, यानी समीकरण दोनों को एक जगह लिख लीजिए, ये समीकरण एक और दो जो है x माइनस तीन वाई क्योंकि हम मिटाने जा रहे हैं, और यहाँ दूसरा था x माइनस सात वाई बराबर माइनस तीस है, हमने इसलिए यहाँ लिख दिया समीकरण फर्स्ट है, समीकरण क्या हुआ सेकंड है, ताकि मिटने के बाद आपका समीकरण गुम नहीं हो, आपको याद रहे। ठीक है, तो इस तरह यहाँ आप क्या करेंगे कि समीकरण एक से चलते हैं, यहाँ समीकरण एक से चलते हैं, तो एक से क्या है कि x माइनस तीन वाई है बराबर दस है तो दस हो गया, या आपका x बराबर क्या हो जाएगा तो दस पहले से है और ये तीन वाई माइनस में बराबर किधर करेंगे तो प्लस में तीन वाई हो जाएगा, यानी कि x का मान आपका दस प्लस तीन वाई हुआ। पुनः आप यहां लिखेंगे कि समीकरण दो में समीकरण एक से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का मान अगर रखते हैं तो देखेंगे समीकरण दो में क्या है कि x माइनस सात वाई है, तो x जगह आपका हो गया दस प्लस तीन वाई, अब माइनस सात वाई है तो सात वाई बराबर माइनस तीस है तो माइनस तीस हो गया। या यहाँ दस जो है बराबर किधर है, इधर लेके आ जाइए तो इधर लाएंगे तो तीन गुआई में से सात गुआई जाएगा तो माइनस चार गुआई हो गया बराबर माइनस तीस है, और दस प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में ही हो, दस से यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, या माइनस चार वाई बराबर यहाँ माइनस तीस और माइनस दस कितना हो जाएगा माइनस चालीस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कटा लीजिए, या y बराबर क्या हो गया आपका 40 बटा 4 हो जाएगा, 40 बटा 4 यानी कि 10 चौका 40 बराबर 10, इसलिए y बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अब इसी को समीकरण एक में रखिए, समीकरण एक में y का मान रखने पर, समीकरण एक में y का मान रखते हैं तो एक में y का मान रखेंगे, ये क्या है x माइनस तीन वाई है तो तीन वाई की जगह पर आपका क्या हो गया 10 हो गया, अब बराबर 10 है तो 10 हो गया। या x बराबर आपका 10 पहले से है, 10 में 30 माइनस में है जाएगा इधर तो प्लस में हो जाएगा 30, या x बराबर क्या हो गया यानी कि 30 और 10 क्या हो गया 40 हो गया, इसलिए यहां लिखेंगे
जैकब की वर्तमान आयु एक्स बराबर 40 वर्ष और पुत्र की जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर वाई बराबर कितना हो गया 10 वर्ष। आप इसको देख भी सकते हैं, आप जांच भी कर सकते हैं कि अगर 5 वर्ष पहले चलते हैं तो ये 35 वर्ष का हो जाएगा और ये 5 वर्ष का होगा, तो 7×5 7 गुना का अंतर हो रहा है। पुनः आप देखेंगे 5 वर्ष बाद यानी कि 45 वर्ष का होगा या और 15 वर्ष का होगा, तो 15×45 यानी 3 गुना का अंतर होगा। तो इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है और आज का सीरीज हम समाप्त करते हैं। पुनः हम अगले सीरीज में मिलेंगे, लेकिन आप कंसिस्टेंट बने रहें और मेरे यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो निश्चित कर लें, क्योंकि आपको इससे और ज़्यादा लाभ होने की संभावना है, हो सकता है। और आप सभी को एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से धन्यवाद। आपका परीक्षा सफल हो, आप बेहतर से बेहतर बने, यह मेरी शुभकामना है।